हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 22 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा कि माँ देव जी जैसे ही आए हैं भाई, हर चीज़ ऐसे झूमने लग गई है। लेकिन अब सती जी भी ऐसे झूमते झूमते भाई, वो भी आ रही हैं कि देखने के कौन हैं कौन नहीं। इतनी प्यारी आवाज़ करते वीडियो स्टार्ट, आगे देखते हैं। चल भी गया मुस्कान वृक्ष लता नदियां झरने सब सजने जब अनहद का सब है सब है लो भाई। ओए होए होए वो तेरी पैर हर चीज रोक के है भाई। हाय हाय, ये सीन कभी नहीं एक्सेप्ट। क्या हो गया? खतरनाक सीन था। यज्ञ से वापस आने में मुझे समय लगेगा। मैंने चंद्रमा को कह दिया है कि वसंतोत्सव का कार्यभार संभालेंगे। उसके साथ सती, अदिति, ख्याति, रेवती, रोहिणी सभी हो, और मेरी अनुपस्थिति में आप इसका निरीक्षण करते रहिएगा। सती का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जब भी यज्ञ के लिए बाहर जाते हैं इसी तरह निर्देश देकर जाते हैं। अब तो आपके सारे निर्देश मुझे कंठस्थ हो गए हैं। क्या करूं? दिन रात प्रजापति का दायित्व तो निभाते निभाते अब कुछ स्वभावी ऐसा हो गया है। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। उत्सव की सारी तैयारियां और सती को भी। सती अभी तक जल्दी कर नहीं है? वो आ गई होंगी। आइए
दरबार की ओर चलते हैं। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम महाशिला। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने यज्ञ में शिव का आमंत्रण किया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस यज्ञ में उपस्थित ना होने की अनुमति मुझे दे दीजिए। महर्षि भृगु, मेरे लिए सप्त ऋषियों में आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा कोई भी यज्ञ सभी सप्त ऋषियों के बिना संपूर्ण कैसे हो सकता है? किंतु प्रजापति। महर्षि भृगु, प्रजापति दक्ष आपको इसकी अनुमति नहीं दे सके। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। क्यों? यह आपको शीघ्र ज्ञात हो जाए। चलिए। पधारिए। दिल तोड़ गए। ये तो लीला है। अरे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती यहाँ। प्रणाम देवी। खो गई यहाँ। राग रागिनियाँ तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम। कहाँ खो गई थी? और यहाँ वन में क्या कर रही हो? ये चीज नहीं निकलेगी आप दिल से। महादेव का गायन खींच लाया ना। ओहो, दो क्षण रुक जाते तो उसे मिल लेती तुम। ये महादेव भी ना जाने किस आवेग में रहते। तुम जैसे प्रशंसक से मिलकर अत्यंत आनंदित होते। मैं उनसे मिलने यहाँ नहीं आई थी। नहीं? ओहो, तो इन राग रागिनियों को लेने आई हो, है ना? जी जी, आपने ठीक समझा। नारद मुनि, एक बात बताइए, आपका गायन तो श्रेष्ठ माना जाता है, तो फिर आज इतना बेसुरा किसलिए? राज इंद्रोल, तुम समझोगे तो नहीं, फिर भी बता देता हूं। आज का मेरा बेसुरा गायन ऋषिक के उद्धार के लिए था। नहीं समझे ना? नहीं। नारायण नारायण। आप लोग आइए मेरे साथ। नाम दे मुझे। नारायण नारायण। आप मुश्किल से संभलेंगी। नारायण नारायण। हाँ, तो जैसा हमने देखा यार, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, एक पिछला और एक ये। आप देख लें कि कैसे एक बार भाई महादेव जी ने ऐसे धुन मिलाई है कि भाई चीज़ें ऐसे झूम उठी हैं, दरख्त है। और भाई एक नारद जी का क्या ही बोलेंगे। नारद जी की अब लोग बोल रहे हैं कि जैसे उनकी बहुत भाई प्यारी आवाज़ है, तो फिर जहरी आवाज़ है भाई, इतनी प्यारी आवाज़। एक स्टार्ट वाला जो भाई जहाँ से स्टार्ट करते थे वहाँ से सुने, लेकिन आगे से चीज़ें इस तरह होनी थी, तो इसीलिए भाई ये चीज नहीं। नारद जी का अब एक लीला की समझ आई सारी। एक पहले भी एक डाउट था, और मतलब के
चीजें जज मिटकार रहे थे, लेकिन अभी तो भाई पूरी एक ना दास्तान ही नारद जी ने लिख दिया है, क्योंकि भाई महादेव जी तो ऐसे गायब हुए हैं ना जैसे कि मतलब कि एक हवा का झोंका है और साथ ही ऐसे चले गए हैं, और सती जी भाई देखती रह गई है हुआ क्या मेरे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लगता है कि महादेव जी एक दफा जो है ना वो नारद जी को जरूर बुलाएंगे और पूछेंगे कि ये आपने क्या किया। सही बात है, एक वो, लेकिन ये कि इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो हो गया है ना मैं कहता हूँ इतनी जल्दी आप भूलने वाला नहीं है। एक दफा ना महाराज वो प्रजापति जो है ना वो हाँ उसकी सारी मेहनत जो है ना वो मुझे लगता है जाया हो जाएगी। जो ये सीन हुआ है ना कमाल का हुआ, लेकिन महादेव जी ने सही बोला था कि मुझे किसी का भय नहीं है। नहीं है बिल्कुल, तो आप सब चीजें जो समझ रहे हैं वो एक गलत है गलत लेकिन है, ये कि आप देख ले कि प्रजापति से महर्षि ने बोला है कि भाई मैं नहीं आ सकता इस यज्ञ में, लेकिन आना ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन ये कि आगे अब देखते हैं भाई कि सती जी ने बोला है कि मैं साथ लेकर आई हूँ राग और रागनी को साथ लेकर जाने आए, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।